हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी क्रिस्पी टेस्ट नमक। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमकीन बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ऐड करूंगी, जीरा, अजवाइन हाथों से क्रश करके ऐड करूंगी, और ये मोटी कुटी हुई ब्लैक पेपर। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेती हूँ और मोइन के लिए घी ऐड करूँगी और हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मोइन को मिक्स कर लिया, ऐसे मुट्ठी बंद के देखने का, होल्ड हो रहा है तो परफेक्ट मोइन हुआ, नहीं तो और 2 चम्मच ऐड करने का। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और एक स्टिफ डो बना लूँगी। इसमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और अच्छी तरह से डो बना लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। 1 पार्ट को पहले बेल के रेडी करूँगी, इसे बड़ा लंबा करके रेक्टेंगल शेप पे बेल के रखा। तो अभी क्या करूँगी, साइड का पोर्शन ट्रिम कर लेती हूँ कट के, और जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाएगा वो बाद में आपस में कट के सेम बना लूँगी। ऐसे स्पून के ऊपर ऐसे रख के इम्प्रेशन बना के और ऐसे रोल करने का, तो एक डिज़ाइन भी बन जाता है बहुत ही इजी से। ऐसे बना के सारे तैयार करूंगी और ऑयल में फ्राई करूंगी। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और एक एक करके फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। पलट पलट के अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है। अभी बाउल में निकल लेती। क्रिस्पी नमकीन बन के रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।